के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम होना। हमारे बच्चे या हम कभी भी बीमार पड़ते हैं तो हमारे मन में चिंता लग जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो आज का सिनेरियो है उसमें नए नए म्यूटेंट वायरस डिटेक्ट हो रहे हैं जो कि एक चिंता का कारण जरूर है। वैसे न्यूट्रिशनल डाइट अगर आप घर पे लेते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन से ईजिली डील कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ न्यूट्रिशनल डाइट ही काफ़ी नहीं है आज के सिनेरियो में। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे साइन और सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी लो है या नहीं। जी दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसमें लास्ट तक जरूर बने रहें। मेरे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारी जो इम्यूनिटी होती है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हम कैसे घर बैठे पता कर सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं तो पूरी लाइफ में कभी बीमार ही नहीं पड़ा, इवन मुझे कभी कोई फीवर ही नहीं आया। तो दोस्तों इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। जैसे अगर आपको कभी फीवर नहीं आया है, फीवर एक रेस्पॉन्सिव सिम्टम है किसी भी इन्फेक्शन का। अगर आपके बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी यानी कि कोई भी जो इन्फेक्शन आया है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं और वो किल करती हैं जो बाहर से आया हुआ एंटीजन होता है, उनको किल करते हैं, यानी कि उनकी जो फाइटिंग होती है उससे हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपको फीवर एक रेस्पॉन्स सिम्टम आपको मिलता है। यानी कि आप में प्रचुर मात्रा में अगर एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं तो यानी कि फीवर आपका एक पॉजिटिव साइन है। और अगर आपको फीवर कभी नहीं आया है लाइफ में, इसका मतलब है कि आप में सही मात्रा में एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे हैं। तो आप अपना पहले रेगुलर चेकअप जरूर कराएं, पता करें कि आपका जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं या नहीं बनते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपकी आँखों में ड्राइनेस रहती है यानी कि आप आँखें बार बार ब्लिंक करते हो ड्राइनेस की वजह से, तो ये भी लो इम्यूनिटी का एक सिम्टम है। आपको लगातार हेडेक बना रहता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, या फिर आपका वेट लूज होता जा रहा है बिना किसी भी रीज़न के, या फिर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं हमेशा, बार बार हर सीजन में आपको कोई ना कोई इरप्शंस यानी कि स्किन एलर्जी हो जाती है। और सबसे मोस्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक लूज मोशन यानी कि काफ़ी समय से आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर लूज मोशन रहता है या फिर आपको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है आए दिन, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी लो है जिसकी वजह से आप कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों रिसर्च से ये सब चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा इम्यूनिटी को ही बढ़ाता है। जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, यानी कि हम जो भी पेशेंट हमारे सामने होते हैं उनसे हम जब हम केस पूछते हैं, उनके बारे में हम सिम्टम्स पूछते हैं, तो इतनी गहराई तक जाते हैं जिससे हमें उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी पता चलती है। तो अगर हमें इंडिविजुअलिटी पता चल जाती है तो उसका जो एक सेंटर होता है यानी कि जो इम्यून सिस्टम होता है हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ पर वीक है, उसकी वजह से जो भी उसकी सुटेबल मेडिसिन आती है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में ही कारगर होती है। और इम्यूनिटी बहुत जगह देखी गई है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप अगर लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो कुछ आप सप्लीमेंट जो ले रहे होते हैं यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो तुरंत तुरंत आपको रिस्पॉन्स देती हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती हैं जितना कि आप लॉन्ग टर्म तक होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मैं अपने पेशेंट में रेगुलर, कोई भी पेशेंट आते हैं उनकी मैं अगर केस चेकिंग करती हूँ तो उसके साथ साथ उनकी एक इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन जरूर चलाती हूँ, जिससे कि ओवरऑल जो केस होता है वो काफ़ी स्पीड से वर्क करता है और रिस्पॉन्स उसका विद इन वीक में आने लगता है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन बैलेंस्ड डाइट के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक खाते रहेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी इतनी हो जाएगी कि आगे आने वाले जो भी इन्फेक्शन है उससे आपकी बॉडी लड़ सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन यानी कि हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं दोस्तों
अलग अलग मेडिसिन बताऊंगी एडल्ट की और एक मेडिसिन बताऊंगी किड्स की, वो अलग अलग मेडिसिन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडल्ट की। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है? आपको मेडिसिन लेनी है इचिनेशिया 1X में। इचिनेशिया 1X जो होती है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन है। इसको आप जैसे ही लेते हैं ये इम्यून रिएक्शन करती है आपकी बॉडी में और काफ़ी तादाद में मैक्रोफेजेस यानी कि जो एंटीजन बाहर से आया हुआ एक्सटर्नल एजेंट को ये डिटेक्ट कर लेता है और उस एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट में प्रॉपर मात्रा में एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और जो भी इन्फेक्शन आता है वो किल हो जाता है। इचिनेशिया जो मेडिसिन है वो होम्योपैथिक वर्ल्ड की वेल प्रूव्ड और इस्टेब्लिश्ड मेडिसिन है। इससे काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, उनकी इम्यूनिटी विद इन वीक में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जिन लोगों की वीक इम्यूनिटी की वजह से बार बार कोल्ड होना या कॉन्स्टिपेशन होना या लूज मोशन होना यानी कि पेट खराब होना लगा रहता है, ये उनमें बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों जो इचिनेशिया मेडिसिन है इसको हम कैंसर पेशेंट में भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इचिनेशिया मेडिसिन होती है वो किलर टी सेल्स को इंक्रीज़ करती है हमारी बॉडी में, क्योंकि जितनी भी कैंसर सेल्स होती हैं उनको डिटेक्ट करके उनको ये किल करता है, जिससे कि हम इसको एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है, इसलिए आप बेफिक्र होकर के मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसको लेना कैसे है। इचिनेशिया 1X टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन है। इसकी 1 से लेकर 2 टैबलेट आपको दिन में 2 बार लेनी है। लगातार आप काफ़ी दिनों तक या लंबे समय तक आप इसे यूज़ करते हैं तो आपकी प्रॉपर इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इचिनेशिया 1X मेडिसिन किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, SBL, WSI या फिर रैकवेग, कोई भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन की। स्वावे इंडिया ने एक ऐसी मेडिसिन निकाली हुई है मामा नेचुरा की, जिसे बोलते हैं म्यूनोस्टिम। ये एक ऐसी मेडिसिन है ये बच्चों के लिए ही स्पेशली बनाई गई है। ये बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ाती है। ये भी मैं अपने क्लिनिक पर काफ़ी बच्चों को मैं देती हूँ जिनका मुझे लगता है कि इनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको मैं मेडिसिन चलाती हूँ तो जो केस होता है पूरा प्रॉपर वो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे डेली लाइफ में काफ़ी इन्फेक्शन से एक्सपोज होते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शन के चपेट में आ जाते हैं, जैसे बार बार उनको कोल्ड लगना, फीवर आना या फिर लूज मोशन लगना, कॉन्स्टिपेशन होना या फिर भूख ना लगना, खाना नहीं खाना, वेट गेन नहीं होना, एक्टिव बिल्कुल नहीं होना, स्लजिश यानी कि लेथार्जिक रहना। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप बच्चों में होते हैं तो आप ये मेडिसिन यानी म्यूनोस्टिम की आप मेडिसिन देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि म्यूनोस्टिम में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है इचिनेशिया, जो कि मैंने आपको एडल्ट की मेडिसिन के बारे में बताया था, उनमें भी हम यही मेडिसिन चलाते हैं। बच्चों में बच्चों के अकॉर्डिंग उसमें मात्रा पड़ी होती है इचिनेशिया की। दूसरी मेडिसिन होती है थूजा, तीसरी होती है प्रोपोलिस और चौथी होती है इलेथेरोकोकस। ये चारों ही मेडिसिन इम्यूनिटी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके बच्चे बार बार बीमार तो नहीं पड़ेंगे, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। ये 94 रुपीज का है 10 ग्राम का। ये जर्मन कंपनी का प्रोडक्ट है, स्वावे इंडिया का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बच्चों को कैसे देना है। इसकी 5 टैबलेट्स देंगे आप दिन में 3 बार बच्चों को। और अगर आप ये जैसे कि आपको पता है कि आपके बच्चे इस सीजन में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उस सीजन से आप 1 से लेकर 2 मंथ पहले ये मेडिसिन आप स्टार्ट कर दें, यानी कि 5-5 गोली दिन में 3 बार, तो आने वाले सीजन में बच्चे आपके इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और अगर प्रेजेंट में कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे को यानी कि इसको इन्फेक्शन लग चुका है, तब आपको ये मेडिसिन देनी है 2-2 टैबलेट हर 2-2 घंटे में। ये एक्यूट इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कवर करता है। आप रेगुलर देंगे मेडिसिन बच्चों को तो उसके इफेक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इस मेडिसिन को आप 1 चम्मच पानी में डिजॉल्व करके भी दे सकते हैं बच्चों को, या फिर आप ऐसे ही दे सकते हैं अगर बच्चे आपके ले सकते हैं मेडिसिन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।